अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिट फाट बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से लेके आई हूँ एक जबरदस्त सा व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुजैन का हेयर कट एक्सपीरियंस। पुरानी वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं कि सुजैन के हेयर्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हैं माशाल्लाह से, और सुजैन की एज अभी 6 इयर्स है, तो इनको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है सुजैन के लिए। सुजैन को कॉम करना नहीं आता है अभी तक। तो जी, हम लोग आए हैं सपना स्टूडियो, माई फेवरेट प्लेस। सुजैन को अपने हेयर से बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो उसको एग्री करना हेयर कट के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन फाइनली सुजैन एग्री हो चुकी थी और हम लोग आ चुके थे सपना स्टूडियो। हैदराबाद का बहुत ही जबरदस्त सलून है ये। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। स्क्रीन पे आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये सपनाज के ऑन प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स में आपको हेयर ऑयल नजर आ रहा है जो हेयर फॉल के लिए बेहतरीन है, और हेयर मास्क भी यहाँ पे अवेलेबल है जो ड्राई और रफ बालों के लिए विंटर सीजन में बेस्ट है, और वाइटनिंग क्रीम भी अवेलेबल है जो पिगमेंटेशन के लिए ये लोग रेकमेंड करते हैं। और क्रीम के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि ये मैंने बाय किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त है ये। यहाँ पे सुजैन का हेयर कट स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे आके सुजैन ने अपने दिल की बात खुद ही कर डाली थी कि अब्रिश को ज्यादा शॉर्ट हेयर्स नहीं चाहिए हैं, उसको अपने हेयर से बहुत ही ज्यादा प्यार है और वो इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। हाँ जी, तो हमने कह दिया था कि ज्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं, और यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे करते हैं आप लोगों से थोड़ी सारी बातचीत। जी, छोटी बच्चियों के हेयर्स बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। जब छोटी गर्ल्स के हेयर्स काफी लॉन्ग लॉन्ग होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन इस बार कटिंग की वजह सिर्फ ये थी कि थोड़ा वीक हो रहे थे नीचे से बाल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गए थे, और ब्रश काफी छोटी है तो अभी तक उसको कॉम करना नहीं आता है, मैनेज करना नहीं आता है, और मेरा काफी टाइम इसी बात पे स्पेंड हो जाता है कि ब्रश के हेयर्स को क्लीन करना है, कॉम करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये जो है ना मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी कटिंग करा देते हैं, इस तरह से बाल कुछ ज्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे। और हमेशा ब्रश की कटिंग मैंने खुद की है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो ब्रश कटिंग नहीं कराने पे एग्री नहीं हो रही थी, तो हमने सजेस्ट किया कि हम लोग जाएंगे सलून, और सलून की खुशी में ब्रश हो गई रेडी। यहाँ पे अब्रिश का हेयर कट ऑलमोस्ट होने वाला था, तो फ्रेंड से भी कुछ मैंने इनको कहा था कि अब्रिश ने कुछ खुद बालों को जो है ना कटिंग वटिंग किया है तो उसको भी मैनेज कर दें। तो यहाँ पे अब्रिश की ऑलमोस्ट कटिंग होने वाली थी। यहाँ पे मैं आप सबसे कहूँगी कि बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं, बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं, अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, उनकी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और ये देखें जी, अब्रिश हो गई रेडी, और मेरी हर खुशी अब्रिश के साथ है, और अब्रिश हैप्पी है सो मैं भी हैप्पी हूँ। हाँ जी, हेयर कट हो चुका, अब हम लोग जाएंगे घर, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अब्रिश के हेयर्स की फाइनल लुक कि किस कलर हेयर्स में शाइन आई है, जान आई है, और किस कदर हेल्दी हो गए हैं हेयर्स। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब्रिश के हेयर्स की फाइनल लुक, और वीडियो को कर देंगे लाइक और कर देंगे एक अच्छा सा कमेंट। तो जी, इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूंगी इजाजत, मुझे दें इजाजत, दुआओं में रखें याद, खुश रहें, खुशहाल रहें, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।